বহরমপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে তপশিলী উপজাতি মহিলাদের সঙ্গে পরিচয় পর্ব ও সাংগঠনিক আলোচনায় শামিল হলেন প্রার্থী হিসেবে ইউসুফ পাঠান। यहां पर आज एसटी एससी के साथ मीटिंग किया। मेरा यही वादा है कि मैं यहां पे जीतने के आने के बाद उनके लिए जो समस्याएं है उसको पूरी करने की कोशिश करूंगा। ममता बनर्जी ने ग्राउंड लेवल पे बहुत अच्छा काम किया है और अभी भी कर रही है और आगे भी वो करती रहेंगी। इसको लेके उनकी सोच बहुत अच्छी है। मैंने उनसे यही वादा किया अगर जो भी तकलीफें हैं उनको जीतने के बाद आएंगे हम और वो तकलीफों को दूर करेंगे। এই দিন মুর্শিদাবাদ জেলা সদর বহরমপুরের তৃণমূল কংগ্রেস ভবনে প্রার্থী ইউসুফ পাঠান কথা বলেন সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া এই সকল মহিলাদের সাথে। শুনেন তাদের একাধিক দাবি দাওয়ার কথা। সেদিন উপস্থিত ছিলেন প্রায় 300 জন মহিলা। প্রার্থী ক্রিকেটার ইউসুফ পাঠানকে কাছে পেয়ে সকলেই ছিল উচ্ছ্বসিত। আমাদের প্রার্থী ইউসুফ পাঠানের পরিচয় আমরা করালাম এবং যাতে এসসি এসটি মানুষ ইগন যাতে আমরা ওই সমস্ত এলাকায় প্রচারগুলা করি তার জন্য আজকে ওদেরকে ডাকা হয়েছে। তৃণমূলের মিটিং এর জন্য এসেছিলাম। যিশু পাঠান এসেছিল ওই জন্য এসেছিলাম। কি বললেন, কি আশ্বাস দিলেন? বললেন যে তোমাদের যা যা দরকার আছে কে কি পাওনি না পেয়েছ এগুলো যা যা দরকার আছে আদি যা জিনিস সব এগুলো তোমরা পাবা, আমি তোমাদের পাশে থাকবো। দেখিয়ে ওয়াদে তো বহুত লোক করতে লেকিন পুরা করনা বহুত জরুরি হতা হ্যায়। হাম লোক जो हमारा पार्टी है टीएमसी पार्टी है उन्होंने पहले काम किया है उसके बाद वादे किए हैं तो वो बहुत ज़रूरी होता है। वादा करना और वादों को पूरा करना आसान काम नहीं होता है लेकिन टीएमसी पार्टी ने और ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने जो काम किया है ग्राउंड लेवल पे जो गरीबों के लिए काम किया है उसकी बहुत तारीफ करनी होगी, सराहनीय है वो। क्योंकि देखिए इनके लिए जो 1000 रुपीज़ था एससी के लिए उसको बढ़ा के 1200 रुपये कर दिया, जो 500 रुपये थे उसका 1000 रुपये किया और साथ साथ में जो दूसरी जो स्कीम होती है जो लड़कियों को पढ़ाने के लिए वो एक टाइम में 25,000 रुपये उनको दिए जाते हैं कि उसको ग्रेजुएशन के लिए भी उसको आसानी हो। तो ये सारी चीज़ें ममता बनर्जी और उनकी सरकार ने की है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो राशन होता है वो भी फ्री में उनको दिया जाता है, राइस गेहूँ वो बहुत ज़रूरी होता है एक घर चलाने के लिए, एक लेडीज़ के लिए वो बहुत ज़रूरी होता है कि उसको राशन भी अगर गवर्नमेंट देती है तो बहुत आसरा हो जाता है। दूसरी जो चीज़ें हैं घर चलाने के लिए, क्योंकि खाना एक ऐसी चीज़ है कि दो टाइम पे अगर खाना अच्छे से मिलता है तो दूसरी चीज़ें आसान हो जाती है घर चलाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें भी की है तो हम लोग कटिबद्ध है ये सारी चीज़ें करने के लिए, काम करने के लिए। हम सिर्फ वादे नहीं, वादे पूरा करना भी जानते हैं।